ये है दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ फिलहाल चल रहा है आईपीएल का फेज 2। टी20 वर्ल्ड कप भी यही होगा। दुबई में इस वक्त क्या माहौल है और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दुबई की आवाम क्या कहती है? आई लव माई कंट्री। मेरे लिए क्रिकेट मतलब इंडियन ड्रीम। क्रिकेट इज समथिंग रियली स्पेशल टू मी। ऑनेस्टली वी आर सो एक्साइटेड। वी आर रियली एक्साइटेड। रियली एक्साइटेड। इंडिया इज द क्रिकेट हब नाउ। ज्योति जैन मूल रूप से असम की रहने वाली हैं और दुबई में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर उनका एक्साइटमेंट आप भी देखें। अपनी कंट्री यहाँ आके मैच खेले, आई लव माई कंट्री और मैं तो जरूर ही इसे देखने जाऊंगी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तीनों ही हम लोग मिलकर इंडिया की टीम को चेयर्स करें। काफी फ्रेंड्स, काफी इंडियन है जो इंडियन टीम को एकदम चेयर्स करने के लिए रेडी है यहाँ पे। दुबई के रहने वाले पीटर की क्रिकेट की दीवानगी का किस्सा आप भी सुनिए। इंडिया वॉज प्लेइंग विद पाकिस्तान एट द सागर स्टेडियम एंड अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन कराम व्हिच इज स्टिल देयर गेव आउट स्वीट्स बिकॉज़ इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच। 1980 के दौरान भारत पाकिस्तान का एक मैच हो रहा था। भारत जीत के बहुत करीब था। हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में भारत की जीत की खुशियां मनाने लगे थे, लेकिन आखिरी बॉल पर जावेद मियादाद के एक छक्के ने गेम पलट दिया और पाकिस्तान की जीत हुई। दुबई की रहने वाली नेहा और धनश्री का क्रिकेट प्रेम इतना है कि दोनों अपने लिए इंडियन टीम की टी शर्ट खरीदने मॉल आई थी। हमने भी उनसे सवाल पूछ लिया कि टी20 वर्ल्ड कप को लेकर उनकी क्या राय है। जवाब आप भी सुने। इट इज हैपनिंग इन। हमें वर्ल्ड कप की टिकट्स का बेसब्री से इंतजार है। भले ही टिकट्स की कीमत कितनी भी हो, हम महंगे से महंगा टिकट खरीदने को तैयार हैं, लेकिन हम मैच देखना चाहेंगे। दुबई में 15 साल से गौतम का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप इसीलिए भी खास होने वाला है क्योंकि भारत और दुबई में ज्यादा दूरी नहीं है। क्रिकेट प्रेमी दुबई तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो या फिर यूएई में, दोनों ही जगहों पर क्रिकेट का क्रेज बरकरार रहने वाला है। इंडिया क्रिकेट की दीवानी है। इनका उत्साह देखकर आप समझ गए होंगे कि दुबई में बच्चों से लेकर बड़ों को टी20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार है। कोई स्टेडियम में मैच देखने को बेताब है तो कोई अपने फेवरेट खिलाड़ी के साथ एक सेल्फी लेने को।